आज उनका है कल किसी का होगा, ये समझ के चलना चाहिए। और डेप्यूटी स्पीकर को भी लेटर दिया है एकनाथ शिंदे ने, वो कह रहे हैं कि हम डेप्यूटी स्पीकर के इसको चेक करेंगे सिग्नेचर बाकी चीज़ें, क्या फ्लोर टेस्ट होना चाहिए क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल होना चाहिए फ्लोर टेस्ट के लिए, क्या लोकतंत्र में जब भी फ्लोर टेस्ट होता है जिसका बहुमत हो उसकी सरकार होती है, कांग्रेस उसके लिए तैयार है। और ये जो डेप्यूटी स्पीकर की बात है, नहीं नहीं डेप्यूटी स्पीकर की जवाबदारी है वो कानून सब जांच कर उस आधार पर निर्णय लेना, वो स्पीकर का अधिकार है, स्पीकर के अधिकार को कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। अब ये ढाई साल के बाद की बात, क्योंकि शिवसेना कह रही थी कि हमें ढाई साल के मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी और शिवसेना का इसी बात पे झगड़ा था, और अब एकनाथ शिंदे जी ये होता है, तो क्या आपको इसमें कुछ? देखो मेरा एक कहना है कि जैसे एनसीपी और कांग्रेस हमारी ये नेचुरल अलायंस नहीं है, इस तरह का भी एक आरोप लगाया जा रहा है, तो हम उनको सवाल पूछना चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार में तुम थे 2014 से 19, तब कई मंत्री शिवसेना के जेब में रिजाइन लेके घूमते थे, तो क्या इसका मीनिंग लगाया जाए? ये सब चीज़ें जो है ये सिर्फ बकवास है। और हमारा ये कहना है कि महाविकास आघाड़ी के साथ हम हैं और हम रहेंगे, अगर उनको किसी के साथ अलायंस करना है तो उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं। अभी संजय राउत का बयान आया वर्षा बंगलों पे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सभी एमएलए जो उनके बचे हुए हैं उनको लेके ये कहा कि मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। बराबर है, उद्धव ठाकरे जी रहते तो हमें खुशी है, हमें कोई उसका विरोध करने का कोई कारण ही नहीं।